हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनाज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो अभी पिज़्ज़ा का लोकेशन ये देख रहे हो आप। पहले आप मेरे किसी ब्लॉग में देखा होगा आपने, मैं खड़ा हूँ अभी श्याम के घेर में। और श्याम आपको पता होगी, ये हैं जीतन, जितेंद्र, सॉरी जीतन बोलते हैं हम प्यार से। श्याम आए हैं अपने 15 दिन की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद, और आपको मैं बताने वाला हूँ कि आज का ब्लॉग काफ़ी एक्साइटमेंट भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि मैं और ये दोनों और भी कुछ हमारे साथ के जो भाई हैं, हमारे गाँव के मेरे दोस्त वगैरह हैं, तो हम करीब 10-12 बंदे हैं, वो जा रहे हैं कावड़ लेने। आप अभी तो फिलहाल में हम तीनों भाई जा रहे हैं अपने मार्केट, कुछ लेके आना है हमें। जैसे कि हम जो कंधे पर डालते हैं उसको हम हमारे यहाँ पे अंगोछा बोलते हैं, वो लेके आना है मुझे, हाफ लेकर लेके आने हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ हमें लेके आनी है। एक टी शर्ट भी लेके आएंगे, वो चीज़ हम तीनों को लेके आनी है, क्योंकि वहाँ पे खुले खुले कपड़े चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र रहता है, वो हमें तय करना होता है एक दिन के अंदर। तो हम आज शाम को निकल जाएंगे, तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाला है। तो इस व्लॉग में हमारे में बने रहिए बिना किसी स्किप के। सो गाइस, शॉपिंग कर लाए हैं हम, और शॉपिंग में क्या क्या लेके आया हूँ मैं आपको दिखा दूँ। एक तो लेके आया हूँ ये पेटी, शायद पेटी बोलते हैं इसको, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ उल्टा सीधा नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 गलत हो जाए तो मुझे सॉरी, माफ़ कर देना। और ये लेके आया हूँ हाफ निक्कर, ये ज़रूरी होता है, बोलते हैं कि ज़्यादा दूर मतलब सफ़र लंबा है तो इससे आसानी रहती है चलने में। और ये माला मैंने अभी नहा के डाल दी है गले में, भोले वाली, रुद्राक्ष वाली। और अभी तो फिलहाल मैं मंदिर भोले जी को नहवा आया हूँ, अभी उसके बाद तिलक कराना बाकी रह गया है, तो अभी तिलक कराते हैं और कुछ खा भी लेते हैं यहाँ से। पूजा मैंने कर ली है, खाते हैं और उसके बाद बैग उठाते हैं और अपना सीधे चलते हैं कांवड़ लेने। सो गाइस, खाना खाते हैं। अभी खाने बनाए मम्मी ने पूरी और आलू की सब्जी, और इसी से पूजा होती है, पूरी से हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, 18वीं, उसी से पूजा होती है। तो अभी फटाफट इसको खाते हैं और कुछ पूरी पैक करा के लेके जाएंगे वहाँ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि हमें रात को टाइम लगेगा ज़्यादा। गाइस रेडी हो गए बिल्कुल निकलने के लिए, और ये मैंने गॉगल भी ले लिए हैं अपने, और ये वाला अंगोछा मैंने जो बताया था आपको, ये वाला भी लेकर आया था, माला वगैरह पूरा भगत सा लग रहा हूँ मैं देखने में। और ये रहा बैग, बैग के अंदर जो कुछ कपड़े वगैरह हैं वो, और खाना रात को जाके खाएंगे, और एक पानी की बोतल है, वो सब मैंने डालनी है। और अभी फिलहाल लेते हैं अपनी मम्मी पापा से आशीर्वाद। पूजा मैंने कर ली, मंदिर भी हुआ है, और यहाँ पर मैंने पूजा कर ली, खाना वगैरह खा कर बिल्कुल फ्री हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इनका आशीर्वाद, तो भाई अभी पापा का भी लेते हैं आशीर्वाद, मम्मी का और पापा का दोनों का आशीर्वाद ले लिया। और अभी उठाते हैं अपना बैग, बैग डालते हैं कंधे पे, तो बैग ले लिया है अपना, और अब निकलते हैं कांवर के लिए। शाम हो गई है तो चलिए, एक मास्टर वो बोले ये बोले इधर बोले सो गाइस, सारे भोले जितने भी हैं हम सब रेडी हैं जाने के लिए। भक्तों की टोली आप देख लो, सभी कांवर लेके, कुछ कांवर ले, कुछ बिना कांवर लेके, सभी रेडी हैं। और गाड़ी खड़ी है वहाँ पीछे जिसके जिसमें हम जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 7 और यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते पहुँचते हमें बज जाएंगे 9, और कल सुबह हम शायद 4 बजे के आसपास कांवर उठाएंगे वहाँ से। तो वहाँ तक का व्लॉग मैं आपको दिखा दूंगा, और बाकी जो बचा वो व्लॉग वो आएगा सेकंड पार्ट में। सो पहले वाला पार्ट हमारा कंप्लीट देख लीजिए बिना किसी स्किप किए, और वीडियो पसंद आ रही तो उसे लाइक कर देना। सभी को मैं बता दूँ कि पहुँच गए हैं हम अपने, जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ पहुँच गए हैं हम, और कांवर देख रहे हैं यहाँ पे, एक से एक प्यारी, एक से एक सुंदर कांवर यहाँ से वहाँ तक देख लो, प्यारी है, वहाँ से वहाँ तक हमारी कांवर ही कांवरें दिखाई दे रही हैं। तो अभी देखते हैं हम कैसी कांवर लेते हैं। वैसे मैं तो थोड़ी हल्की लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अभी ये भी हैं सब भोले हमारे साथ, बम भोले, बोल भोले की, बम 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 बोल भोले की, बम। तो गाइस देख लो मतलब ऊपर भी किस तरह से कांवर रखी हुई है, और वहाँ भी अभी देखते हैं, अभी मतलब सभी साथ में कांवर लेंगे, फिर उसके बाद
जैसे सजाते हैं, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो यही लोग जो आ चुके हैं पहले वो मुझे बताएंगे किस तरह से कांवर सजाते हैं, क्या क्या सामान उसमें लगाते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक ये पूरी गली जो है वो कांवर से ही भरी हुई है, इधर साइड सभी तरफ चारों तरफ कांवर ही कांवर, कांवर ही कांवर। ये देखिए तो कांवर वैसे कई तरह की होती है, लेकिन सावन में ज़्यादातर जो मान्यता होती है वो झूला कांवर की होती है। तो आज हम सभी झूला ही कांवर उठाएंगे यहाँ से, वैसे कांवर बहुत तरह की होती है। गाइस ये वाली कांवर पसंद आ गई है और इस वाली कांवर को ले लिया है हमने, और सभी ने अपने ज़्यादातर कांवर ले लिए हैं और अभी इनको सजाते हैं। ये खाली कांवर लिए हैं, अभी इनको सजाएंगे, इनके लिए सामान लेंगे। अभी हम यहाँ से जो भी सामान इनमें लगता है उसके बाद ये सज के बहुत बहुत प्यारी लगेंगी। सो गाइस रात का बज गया है एक और हमने अपनी कांवर सजा दी है, कुछ कांवर सजा के यहाँ पे रख लिए हैं हमने और कुछ भोलों ने कांवर सजा के अपनी वहाँ पे रख ली है। तो लाल में मेरी कांवर तो ये है और इनकी कांवर ये है, सभी की खूबसूरत लग रही है कांवर देखने में, और अपनी कांवर ये है। जैसे भी हम फर्स्ट बार आए हूँ मैं, तो जैसे भी सजी हमने अपने, जय भोलेनाथ, कोशिश करी है कि पूरी तरह से सजाने की और अच्छे तरीके से सजाई है, आगे भोलेनाथ की मेहर रहेगी हम पे। तो अभी मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, अभी हम जा रहे हैं नहाने, उसके बाद मैं दूसरा ब्लॉग अपलोड करूँगा क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो गाइस एक काम करना कि आप ये वाला ब्लॉग कंप्लीट देख लो और इसका सेकंड जो पार्ट आने वाला है वो भी देख लेना। तो मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।